मसाला गीला अगरबत्ती बनाने के लिए हमारे पास दो खास तरह के पाउडर है, एक है हमारा हीना और दूसरा है हमारे पास जटामासी। और जो है हम दोनों पाउडर के खुशबुओं का टेस्ट करते हैं तो हीना सबसे आगे है। हीना का खुशबू लाइट वेट काफी अच्छा खुशबूदार पाउडर है और दूसरा है हमारे पास जटामासी। जटामासी हालांकि सही है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमारा हीना का पाउडर है। तो आज हम मसाला अगरबत्ती के लिए दो खास तरीके के पाउडर के बारे में जानेंगे। पहला है हमारे पास हीना और दूसरा है हमारे पास जटामासी। ये दोनों काफी खुशबूदार पाउडर है और दोनों के अलग अलग गुण हैं, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और वैसे मैंने काफी सारे पाउडर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें है हमारा हलमटी, हलमटी का पेस्ट, लाल चंदन, नॉर्मल चंदन पाउडर और ऐसे तमाम जो सारे पाउडर्स हैं उसके बारे में वीडियोस बन चुकी है। और उसी के साथ साथ आज हमारा ये दो तरीके के और पाउडर्स जो है इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हैं और उसके बारे में आप कुछ चीजें जानना चाहते हैं पाउडर्स के बारे में, तो वीडियो आप जरूर चेक करके देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीना पाउडर के बारे में। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये है हमारे पास हीना पाउडर जो कि दिखने में आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर में दिखेगा, मतलब हल्का ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर के बीच में जो कलर होती है वो मान सकते हैं हम। तो इस पाउडर्स के हम क्या खास बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखने में तो ये दिख रहा होगा कि 80 ms के आसपास इसका मेश साइज है, मतलब जो पाउडर का जो साइज होता है वो 80 ms के आसपास है। और जो है ये पाउडर मेरे ख्याल से किसी पेड़ की छाल से निकाली जाने वाली पाउडर है और दिखने में तो ये काफी अच्छी है, स्मूथ दिखने में लग रही है। अभी तक हमारे जो जंगलों में काफी सारे ऐसे पाउडर्स हैं जिनका हम काफी हद तक यूज कर सकते हैं अगर उसके बारे में जाने तो। सो उसी तरीके से ये हीना पाउडर है, पहले इनका नाम कभी मैं सुना नहीं था, उसके बाद जब इसे मैंने अगरबत्ती में यूज किया तो मुझे रिजल्ट काफी अच्छा लगा इसका। जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्मल लोग कुपम पाउडर का यूज करते हैं, तो कुपम पाउडर की जगह पे मैंने ये पाउडर्स यूज किया। जैसा कि आप मसाला अगरबत्ती, फ्लोरा अगरबत्ती का जो फ्लोरा जो फॉर्मुलेशन में उसमें दिया था, उसमें मैंने हीना पाउडर का जिक्र किया था और एड भी किया था 200 से लेकर 250 ग्राम के बीच में। उसकी जो क्वालिटीज है वो काफी अच्छी है, मतलब कुपम पाउडर से हम मान सकते हैं 2-3 गुना बहुत अच्छी है। उसके साथ हम बात करेंगे हमारे दूसरे पाउडर जटामासी के बारे में। जटामासी जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर पे है, मतलब व्हाइट कलर की ये पाउडर है। साइजेस देखा जाए तो ये थोड़ी सी हीना के पाउडर से मुकाबले थोड़ी मोटी है जो इसका ग्राइंड साइज है वो। और इसका जो है आयुर्वेद में आप काफी नाम सुने होंगे, जैसा कि जटामासी काफी सारे आयुर्वेदिक चीजों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है और इसका नाम भी आप सुने होंगे। सो इसमें भी एक अलग टाइप की अच्छी खुशबू है जो कि स्मेल करने पे आ रही है। और जो है इन दोनों पाउडर्स को आप अपने अगरबत्तियों के लिए यूज कर सकते हो। और ज्यादातर मैं सजेशन करना चाहूंगा कि आप ये मसाला फ्लोरा अगरबत्ती के लिए यूज करें, क्योंकि ये पाउडर्स जो है थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मतलब थोड़ा महंगा मिलता है। सो इनको जो है अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने के लिए यूज करें, ये नहीं कि हम ब्लैक में डाल दिए तो और किसी चीजों में डाल दिए। सो उस तरीके की कैटेगरी वाली अगरबत्तियों में डालना थोड़ा सही नहीं रहेगा प्राइस के मामले में। फ्लोरा अगरबत्ती में आप डाल सकते हो क्योंकि उसके प्राइजेस काफी, जैसे कि हम बात करें तो मसाला अगरबत्ती की जो है डिमांड भी काफी अच्छी होती है और जो है काफी अच्छे प्राइजेस में बिकते हैं। प्राइजेस में कब बिकेंगे, जब उसे आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी में, टॉप क्वालिटी में, आप प्रीमियम क्वालिटी में उसे बनाएंगे तब वो अच्छी से अच्छी जो है रेट देके जाएगी, मतलब बहुत अच्छी डिमांड भी होगी और वो अच्छा खासा पैसा भी देगी। तो उसके लिए आपको अच्छी अच्छी तरीके से जो पाउडर्स हैं, जो अच्छी अच्छी सुगंधित पाउडर्स हैं उसका यूज करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कौन कौन से पाउडर्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं जिनसे हमारा जो है अलग अलग तरह के फ्लेवर्स जो है बनते हैं। सो इसमें काफी सारी चीजें मैं मसाला अगरबत्ती को लेकर काफी सारे पाउडर्स के बारे में बताया हूं। तो ये दोनों तरीके के पाउडर्स के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।